नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी मेथरापुर पंचायत के रूपनपट्टी चौक के समीप दो पक्षों में हुआ जमकर मारपीट। मारपीट एक ऐसा जगह पे हुआ है जो जगह पर डायरेक्ट विजय दशमी का पूजा का आयोजन किया गया था। जी हाँ, छोटी सी विवाद के लिए दलित समाज पर किस प्रकार लोग भीड़ पड़े, किस प्रकार लोग मार पड़े, उसका पूरा नजारा हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम जनता जिसको शरीर पर चोट लगा हुआ है, माथे फूटे हुए हैं, हाथ में टके पड़े हुए हैं, उनके माध्यम से क्या कुछ कहा गया, डायरेक्ट आप देखिए स्क्रीन पर। जी, 7 बजे रात के हम लोग अंगना में बैठे थे 2-3 आदमी। तो अरविंद सिंह आया, अथी देखो तू अपना बच्चा कैसे हिलवा वाला के जाता है गाड़ी देने, आ कानून ऐट के 2-3 चमेटा मारे उसको। तब उचल मार के चल किसी नशेरी है से अथी से इसको मारो से समझाओ इसको से जाता है। तो हम उचल गए तो हम कल कला गए से न जइए टूट जाते बच्चा के हिले वाला है या तू सियान को जाइए तो टूट जाते। तो अब उचल गए तो दूसरे पर हम मार लिए सूत रह हमू से सुत रही। जब 10 बजे रात आके कहीं रेस बा कहाँ थे तोहर बेटा जाके हिलवा वाला के गाड़ी दिल कहू है। तब से इकल तुकला ना समझो छी सन कैले हथी। तब इकल लखिन तब हमरा उठलखिन ए सुन कहाँ छोड़ा हम कहलिए ओ नहीं सुतल तो अथी ये नहीं सुतल तो ओकरा उठलिए तो कहलखिन चल तो पूछो तो कौन हिलवा वाला के गाड़ी दिली। तो लेके गेली तो हिलवा वाला के चिन्हलिए तो हिलवा वाला कहल ना बच्चा न गाड़ी दिल कही है से न। आ तेरा बाद जाके उतरलखिन आ तब सुनलखिन इतना बात उन्हें बोल तब लाठी लेकर ऊपर से उतरलखिन आ दुहट्ठी लाठी मारे लगलखिन। तेरा बाद हमारे देवर पकड़ लखिन तो अथी देवर के हाथ कट गए तब देवरों के मारलखिन आ मार के ऊपर चल गलखिन आ फोन कर दिलखिन। बस फोन कर दिल के बाद तो हम सब चल अली यहाँ से। तेरा बाद की काम होल से हुआ से 25-30 आदमी आ गए इनका सके खून बहत रही से दवाई धरवावे चल गए आ ताले हम अकेले उतर पकड़ा। हमको सर मारा है कमलेश राय के बेटा 4 आदमी से। हाँ, कमलेश राय के दोनों बेटा कह गोली मार देंगे ऐसा वैसा ऐसे अथी अथी हमको मारेंगे उसको घर में से घिंच के ले जाएंगे उसको बेटी के उठा के ले जाएंगे। कहाँ है रंडी भोसरी सा कहाँ है भोसरी सा कल भोसरी सा और गली में कुछ आदमी अगना माहे घुस गया और शरीर धरा दुहत्थी लाठी मकई लिखन हमको पीट दिया। थाना के फोन करे तो बाद में आए 2 आदमी जखनी हमको बहुत बेहोश हो गए हम सब मारा था खून से पूरा दे दहा गया था सर। तो हम चल अथी जा रहे थे तो देखे हम गाड़ी 2 पुलिस के लगा वहाँ पर हमको जाने के बाद ही सब देखभाल कर चल जाए। उसको बाद फिर रात में गए लोग हम सब थाना पर तो नहीं लिखे कुछ नहीं लिखे वालू लिखने वाला नहीं है। तो फिर सुबह में गए थे लिखवा उखवा के आए हैं तो नहीं सर नहीं लिखा के जब आवेदन दे के आए हैं तब थाना नहीं आया है सर। गायत्री देवी खपरा वपरा सब तोड़ दिया है आके देख लीजिए करकर फरकर सब पूरा लाठी चला रहा था दवाई लेके जब हमारा ट्रीटमेंट लेके उधर चला रहा था तभी भी उससे लाठी से रुका 20-25 आदमी मारेगा तो आप एक आदमी क्या कीजिएगा कुछ नहीं कर पाइएगा 20-25 आदमी के सामने। मेन झगड़ा का जोर कौन है? मेन झगड़ा जो अरविंद सिंह है। अरविंद सिंह क्या करता है? वो फौजी है। फौजी है हाँ, रिटायर हुआ इसीलिए उसकी घमंडी ज्यादा हो गया है। हाँ। हाँ। बोला है कि दूसरा चमर तू करबे कथी है बोलू हमको। हाँ। थाना के बारे में क्या बोला? थाना बोलू हमको जेबी में रहता भोला साहब बोला कि तू क्या कर लेगा जखनी नौकरी घर उड़ा देंगे तुमको मार देंगे जहाँ पाएंगे तहाँ दूसरा चमर गाली दिया। हाँ क्या बोला था कि दूसरा चमर क्या करेगा तू? हाँ आप लोग थाना के सहयोग नहीं लिए? सही थाना वाला कोई एक्शन नहीं है आवेदन दिए हुए हैं कोई एक्शन नहीं कोई एक्शन नहीं आया पुलिस की नहीं नहीं अभी तक जांच में भी नहीं आया। क्या नाम हुआ? अविनाश कुमार। तो हम लोग देखे तो भागे हमको भागा विशाल से मार तो सब जैसे हंसन उसे ना करते हैं दहा लिखा तजिया ले वैसे सब अथी लाठी लेके तो हम लोग भागे हम लोग के कहा पार फोड़ देगा खल पर तो हम भागे बचा के मारे बन कर उन्ने सबके हल्ला किए उन्ने बजा उन्ने बजा कोई ना सुने तो हम सबको चाल करे से आइए ना बापरे मार दिए तारुक तो सबके लाए बुला के तारुक सब भागे मार हमको गोतनी के बहुत मार मारे हैं फिर जैदी के फिर हमको भाई लगता है गोतनी के ओकरा मारे हैं सब। मामला यही कि हमको बच्चा के 7:30 बजे रात में आके कानून आठ के मार उड़ के चले गए तेरा बाद फिर 10 बजे हम आए तो 10 बजे आके तक हमको कहता है तुमको बच्चा कहा हिलो वाला के गाड़ी देता है ऐसे है वैसे है वैसे है तो हम फिर अपना बच्चा के कहे कहा मेरा बच्चा उठाओ फिर उसको उठपाए ले गए तो फिर ले गए हिलवा वाला के पास में तो हिलवा वाला पूछे कि ये ही है तो कहा नहीं है एक बात ऐसी बोल के इससे पहले और कॉल चोरी हुआ है तो मेरा ही बच्चा के नाम आ रहा है उसमें देखे किसी तब इसीलिए हम गाड़ी दिए सलाह बहन जो कोई काम होता है तो हमको बाल बच्चा के फंसाने के लिए करते हैं उतना इतना बात हम कह के चलाए तो एक उतना ही देर में मेरा भाई के कालर पकड़ के मारने लगा तो मेरा भाई बुलाया तब हम भी सो गए तो सब आके होटल पर से आया और तेरा बाद इन आया अरविंद सिंह हमको ऊपर दुहट्ठी लाठी चलाने लगा इतना चलाते हुए जब फिर झगड़ा उगड़ा मार के भाग गए फिर हम सब इन्हें चलाए सब कहा कि हो गया तो हमसे इन्हें चलाएँ ताले हमसे जा रहे दवाई लाने ताले इन्हें फिर कमलेश राय के बेटा ये सब भोला ये सब कम से कम 30-35 आदमी सबको लेके यहाँ पहुँच गया इन्हें सबको महिला सबके मारने लगे तेरा आदम नहीं है। कितना आदमी को चोट लगा हुआ? हमको लगा हुआ 3 आदमी का चोट हम सब 3 आदमी थे। थाना में आवेदन दिए? हाँ दिए हैं। कुछ नहीं सुनवाई है कुछ नहीं है जांच में पुलिस आया कुछ नहीं आया है। क्या नाम हुआ आपका? अशोक पासवान। कहाँ घर हुआ? रूपनपट्टी।
जी हाँ, यह पीड़िता का बयान आपने ने सुना, यह पीड़ित परिवार का बयान आपने सुना। हम दूसरी संक्षेप में बता देना चाहते हैं कि जो फौजी फौजी नाम का जो अरविंद कुमार सिंह का नाम लिया जा रहा था, वह फौजी दरअसल देश सेवा करके आ चुके हैं, देश के लिए कुछ अच्छा सोच के आ चुके हैं और अभी तत्काल में वह रिटायर हो चुके हैं। लेकिन इन्हीं का एक ढाबा है जो रूपनपट्टी चौक के जस्ट सामने देखिएगा, जो फौजी ढाबा नाम से विख्यात है, जो सब लोग जानते हैं, इन्हीं का ढाबा है। वो अपने सहयोगियों के साथ डायरेक्ट दलित बस्ती में घुसते हैं और एक घर में घुसकर पहले तो घर को तोड़फोड़ करते हैं, पर जबकि अरविंद कुमार सिंह उस समय अकेले नहीं थे, इनके साथ लगभग 10 से 12 लोग था। उसके बाद कई लोगों पर तो नामजद FIR किया गया है, लेकिन FIR अभी तक हुआ कि नहीं हुआ इसका जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। काहे कि लगभग 24 घंटा होने को जा रहा है कि पीड़िता को किसी भी प्रकार का यह सूचना नहीं आया है कि FIR हो चुका है कि नहीं हुआ है, लेकिन डायरेक्ट इसको आवेदन थाना में दिया है, जिसका आवेदन का छाया प्रति या महिला जो हाथ में लेकर खड़ी है वो आपको दिख रहा होगा। दूसरी बात बता दे कि वही वो अरविंद सिंह है जो अपने भाई को, अपने भौजाई को और अपने पूरे भतीजा भतीजी को घर में नहीं प्रवेश करने दे रहा था, या वही अरविंद सिंह है जो अपने भाई को घर से बेदखल कर दिया था, सारा जमीन हड़प लिया था, उसका भी आवेदन सकरा थाना में कई दिनों तक पड़ा रहा। कई दिनों तक पूरे परिवार, जो अरविंद सिंह का भाई था उसका कई परिवार, उसका सारा परिवार कई दिनों तक रोड पर भटकता रहा। यात्री सेट पर जब था तो मेरा वीडियो जाकर देखिएगा, यही अरविंद सिंह का सताया हुआ, वो भी महिला और पुरुष था, लेकिन आज फिर यह दलित के साथ ये कारनामा किया गया, तो फिर अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल पाया? इसको मन कौन भरा रहा है? आखिर इसका मन क्यों भरा हुआ है? इस पर विशेष बात करने के लिए जब वहां पे पहुंचे तो पता चला कि ये रिटायर हो चुके हैं और रिटायर में ढेर सारा रुपया इनको मिला है, इनको हजम नहीं हो रहा है, देर रात डायरेक्ट नशे की हालत में आते हैं, सभी दलित परिवार को गाली देते हैं और बोलते हैं कि तुम जैसे दलितों को जिस प्रकार नाम लिया जाता है उस प्रकार नाम लेके हम छोड़ेंगे नहीं, तुमको जहां जाना है वहां जाओ, हमको तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस प्रकार कहते हुए किस प्रकार देखिए घर को क्षतिग्रस्त किया गया है, करकट को तोड़ा गया है, देखिए किस प्रकार तोड़ा गया है, और उसके बाद एक झलक या झोपड़ी को देखिए, जिस झोपड़ी को डायरेक्ट मारकर तोड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है। इतना बड़ा घटना हुआ, लेकिन अभी तक पीड़ित को किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया गया कि हम आपके लिए न्याय पर खड़े होंगे। पीड़िता की तरफ से बोला गया कि लगभग 24 घंटा होने को जा रहा है, हम थाना में आवेदन दिए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बार भी जांच करने के लिए कोई टीम नहीं आए है। हालांकि यह मामला विजयदशमी का दिन का है, लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं, तो ये तमाम चीज हम आपको देख रहे हैं। नमस्ते, फिर मिलेंगे एक नए खबरों के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।